वो ये कहा कि थार वाले तो सीट खरीदेंगे, मेरा ये कहना है 15 लाख वालों ने तो रैंक ही खरीद लिया। थार एक अनाउंसमेंट थी और वो बच्चों के लिए गिफ्ट था, वो उनको मोटिवेट करने के लिए था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचे थे कि आप आकर टॉपर को सामने से खरीदने की बात करेंगे, आप अपने वसूलों के खिलाफ जाएंगे। आप जो है इतनी अच्छी बातें कैमरे के आगे बोलते हैं, तो काश पीछे का भी कैरेक्टर उतना अच्छा रहता ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता एक बार, लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी सर। दूसरा जो मेरा यहाँ पर है ना कि जमीर कहाँ था, ये बात मैं आपसे बोलूंगा। जब वो टॉपर आपके क्लास में आया और जब उसने ये कहा, आपने पूछा उससे कि ऑल इंडिया रैंक में तुमने सीएसएससी क्यों लिया, कोई और पोस्ट क्यों नहीं लिया, उसने ये कहा कि सर मुझे आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। जब आपको ये बात पता थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा और आपको ये भी बात पता है कि आपके 15 लाख से उसका पूरा करियर खत्म होने वाला है, अगर ये बात बाहर आ गई तो वो लड़का लाइफ में कभी भी यूपीएससी में कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, उसको इंटरव्यू में डिबेयर कर दिया जाएगा, तो आपका अपना जमीर कहाँ था? अपने फायदे के लिए क्या एक बार भी आपने उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा? वो तो अनजान था, लेकिन आपको तो उसका फ्यूचर पता था ना। आपको पता था कि जब इंटरव्यू होता है तो पूरी पास्ट हिस्ट्री खंगाली जाती है और पास्ट नीट एंड क्लीन रहता है, तभी उसको कोई पद दिया जाता है। लेकिन आपको ये पता होते हुए भी आपने उस लड़के के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया सर।